तमाम अमेरिकानी फ्रेंड्स को वागी सोमक चंगार ने बहुत बहुत खुश आमदेद। अमेरिकानी फ्रेंड्स, सितंबर का महीना है वो ख़त्म होने वाला है और आगे अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है, जो कि हर तरह के विंटर फ्लावरिंग सीड्स, विंटर वेजिटेबल सीड्स, ना कि विंटर वेजिटेबल सीड्स बल्कि विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स भी लगाने का बेहतरीन मौसम है। और अपने गार्डन फ्रेंड्स के लिए, जिस तरह की भी मुझे यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान में विंटर फ्लावरिंग बल्ब स्पेशली अवेलेबल होंगे, मैं लगाऊंगा। कुछ नई वैराइटीज के भी होंगे, इसमें बल्ब शामिल है। और अपने गार्डन फ्रेंड्स के लिए हर तरह से टिप्स और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर आउट करूंगा। इसी तरह है विंटर फ्लावरिंग सीड्स भी और विंटर वेजिटेबल्स भी कुछ नई लगाई जाएंगी, जिस तरह लास्ट टाइम है वाइट बैंगन लगाए थे। कुछ नई वैराइटीज के, कोशिश मेरी यही होती है कुछ नई से नई वैराइटीज की जो चीज़ है यहाँ घर में लगाई जाए, जिसमें वेजिटेबल्स भी हों और जो फ्लावर्स भी शामिल हो। मेरे फ्रेंड्स, आज की जो बेसिकली मेरी वीडियो है, आप ये देख रहे हैं हवर्थिया, एक छोटे से ये 3 इंच के ये पॉट में लगा हुआ था। और इस, और आप देखें हेल्थी बुशेस की जो ग्रोथ है आपको देखते ही नज़र आ गया होगा। और आज इसको 3 साल के बाद नॉर्मली मैं इसकी रीपॉटिंग करूँगा, और रीपॉटिंग भी वो इसलिए मुझे करनी पड़ी है क्योंकि बास दफ़ा जो प्लांट है वो खुद ही अपना पॉट छोड़ देते हैं रूट बॉन्डिंग के हवाले से। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल है इस प्लांट को, हवर्थिया को यहाँ से निकालूंगा, तो ये देखें ये सूरत हाल कुछ इस तरह की है। ये देखें, यानी ऑटोमेटिकली है ये पॉट से सेपरेट हो गया हुआ है, यानी प्लांट ने खुद कह दिया हुआ है कि भाई आप मुझे रीपॉट अप करें, मेरा कुछ ख्याल करें आप, इससे पहले कि मेरी आगे और हालत ख़राब हो जाए। फिर जब लाजमी बात है, जब पौधा आप सही वक्त पर प्रोपोगेशन ना करेंगे तो पौधा है आगे आप के नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाता है। तो मेरे गाइस फ्रेंड्स, आज की बेसिकली हवर्थिया की प्रोपोगेशन के हवाले से है। इसको उठा के मेरे गाइस फ्रेंड्स, मैं यहाँ से जैसे अभी निकाला है, यहाँ से निकाल के मैं ये मैंने 5 या 6 इंच का ये पॉट है, 6 इंच का इधर से है, 5 के इधर से पॉट है। बकायदा उठा के मैं इसको यहाँ से यहाँ भी कर सकता था, जो कि मेरे लिए आसानी थी। इस तरह के बिस्मी देखें, इसने पॉट में भी बड़ा बड़ा हेल्थी अच्छा लगता है। लेकिन बेसिकली अपने गार्डन फ्रेंड्स को टिप्स और इन्फॉर्मेशन देने का पर्पस ये है कि इसमें जो कि साथ साथ प्रोपोगेशन की जाए। प्रोपोगेशन का मतलब है कि बेबी बेबी जो प्लांट्स हैं वो सेपरेट किए जाएं, और बड़े बड़े जो प्लांट हैं सेपरेट किए जाएं, ताकि बड़े प्लांट, हर प्लांट की, ना कि बेबी प्लांट्स की है, बड़े बड़े जो प्लांट्स की है, हेल्थी ग्रोथ हो। और इसी तरह ये जिस तरह ये एक छोटे से 3 इंच के पॉट में ही आपको ये हवर्थिया के बड़े बड़े बुशी जो प्लांट नज़र आ रहा था, तमाम ही पॉट्स में ये इसी तरह इनकी ग्रोथ है वो हेल्थी स्टार्ट हो। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, मैंने ये 4 इस तरह की ये लिए हुए हैं, ये ग्लासेस हैं, ये तकरीबन कुछ 4 इंच का साइज है। 2 इस तरह के ये छोटे से ग्लास लिए हैं, ताकि जो बेबी बेबी प्लांट्स में कुछ छोटे प्लांट्स हैं यहाँ लगे, ये 2-2 इंच के नॉर्मल साइज है। और ये कोई तकरीबन कोई 6 इंच का ये मेरा पॉट है। अब हम इसमें मेरे गार्डन फ्रेंड्स प्रोपोगेशन करेंगे। अब इसमें मेरे गार्डन फ्रेंड्स बहुत से प्लांट्स इसमें लगे हुए, जब प्रोपोगेशन करेंगे पता लगेगा। जैसे इसमें ये रेनेलीस भी निकले हुए, ऑटोमेटिकली रेनेली के जब सीड्स गिरते हैं तो रेनेली भी निकले हुए हैं यहाँ इसके अंदर। और मेरे गार्डन फ्रेंड्स इसमें मदर ऑफ 1000 जो प्लांट है, जैसे अगर मैं ये दिखाऊँ यहाँ से, ये मदर ऑफ 1000 प्लांट भी लगे इसके अंदर ही हैं। तो जब आप प्रोपोगेशन करेंगे तो आप और डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, जो कि प्रीनियल प्लांट्स हैं, वो भी इसके अंदर इसकी ग्रोथ उनकी है, वो भी सेपरेट करें, वो भी आपके काम आ जाएंगे। अब जरा मेरे गार्डन फ्रेंड्स, जरा प्रोपोगेशन है स्टार्ट करते हैं इस हवर्थिया की है। जैसा कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, तमाम ही मैंने पॉट से निकाल के इनकी रूट्स को है जो प्रोपोगेशन इनको अलग अलग कर लिए है तमाम हवर्थिया के। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आप ये देख रहे हैं इसमें ये एक ये बड़ा प्लांट है, और साइड्स में ये
रिगार्डिंग फ्रेंड्स, ये बेबी बेबी प्लांट्स हैं, ये एक प्लांट्स है, ये दो प्लांट हैं इसमें। और जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो यहाँ से ये सेपरेट है, इसको इनको छोटे छोटे गमले में लगाएंगे हम, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसकी ग्रोथ भी हेल्थी बुश होगी। और इसका मेरे गार्डन फ्रेंड्स, जितने भी मैंने ये प्लांट्स अब किए हैं मेरे, आपको बताऊँ कितने प्लांट्स हैं, बेतहाशा इसमें ये प्लांट्स हैं, इसमें ये बने हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कोई ये 10-12 प्लांट्स हैं, जिसमें अवर्थिया के हैं, कुछ बड़े बड़े प्लांट्स हैं और कुछ बीच में हैं, बेबी बेबी प्लांट्स हैं। अब इन तमाम पॉट्स में हम लगाएंगे। जहाँ तक सॉइल का मैटर है, सॉइल में मैंने जस्ट 50% गार्डन सॉइल और 50% है रेत ली हुई है, क्योंकि इसमें सैंडी सॉइल है, ये सकुलेंट फैमिली से इसका ताल्लुक है, मिशन रहने वाला प्लांट है। आज 3 साल बाद जैसे मैंने बताया शुरू में प्रोपगेशन हो रही है, तो तमाम ही पॉट्स में मैंने ये जो सॉइल और रेत का मैटर लिया हुआ है। गोबर की कोई मैंने खाद किसी किस्म की फर्दर अभी कोई नहीं इसमें एडअप की हुई है, ना ही कोकोपीट है, ना ही वर्मी कंपोस्ट है, पत्तों की खाद कुछ भी नहीं है, जस्ट डाली हुआ जस्ट है ये मैटर लिया हुआ है। अब हम इन बल्ब्स को यहाँ इसमें लगाते हैं। जैसा कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं, तमाम ही अवर्थिया के जो प्लांट्स की है रिपॉटिंग होगी हुई है। और जैसे ये 4 ये पॉट्स है, इसमें कुछ बड़े बड़े प्लांट्स हैं, कुछ बेबी प्लांट्स थोड़े इसमें छोटे पॉट में हैं, इसमें बड़े बड़े जो थे पॉट हैं 5-5-6 इंच में 2-2 लगाए हुए हैं, कुछ मैंने एक और फर्दर इस पॉट में लगा दिया हुआ है, ये हैंगिंग पॉट में है, थोड़ा सा इसमें लगा दिया हुआ है। अभी स्टिल मेरे पास कुछ भी है पॉट में, कुछ बड़े प्लांट हैं, कुछ छोटे छोटे ये बेबी प्लांट्स जैसे आप देख रहे हैं है। अब मेरे गार्डन फ्रेंड्स, आप इन्हें ज़रा पानी देते हैं, और जहाँ तक सनलाइट का ताल्लुक है, सनलाइट जिसे नॉर्मली है 2 घंटे के लिए काफ़ी है इसके लिए, इसकी हेल्थी ग्रोथ के लिए। आगे आगे सर्दियों का भी मौसम स्टार्ट होगा, तो फिलहाल हम इसे मैं इसे यहाँ ही रखूँगा जहाँ मेरे और दूसरे है यहाँ प्लांट्स पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्मली है सनलाइट है 3 घंटे की आती है, और आगे तो सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, सनलाइट के ड्यूरेशन थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा। तो पानी अभी फिलहाल देते हैं, उसके बाद जब पानी तब इसमें देंगे जब इसमें पानी की आगे इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ओवर वाटरिंग आप नहीं करनी, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है ये, पानी अभिषेक आप अगर आप देना भूल भी जाए 2 या 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद, तो प्लांट है हेल्थी बुशी रहता है, प्लांट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब इसकी मिट्टी ड्राई आउट होगी तो तब आप हल्का सा से पानी दीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट में अब तो घर है नहीं है, लेकिन ज़्यादा ऊपर जो छत में मेरे रूटों पे रहे हैं तो आपको इसको शेडिश शेडिश नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सनलाइट के हवाले से होता है। बेसिकली ये इंडोर और पार्शल शेड का ये जो है ये अवर्थिया प्लांट है। तो अब जहाँ इस वक्त मेरे दूसरे प्लांट्स जो पड़े हुए हैं यहाँ मेरे सहन में है जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ इन प्लांट्स को भी एडजस्ट करेंगे थोड़ा खूबसूरती पे, थोड़ा सा ज़रा और अपने इस जो सहन के गार्डन को ज़रा खूबसूरत बनाएंगे। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी प्रोपोगेशन के हवाले से कुछ वीडियो थी जो कि अपने गार्डन फ्रेंड्स के साथ मैं शेयर आउट करना चाहता था, ताकि जब सही वक्त पर आप प्रोपोगेशन करेंगे तो आपके जो प्लांट भी हेल्थी बुशी रहेंगे। और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिन आवाज़ फ्रॉम वागीस सुमसिंगा आदमी।